हाजीपुर के बालादास घाट स्थित युवा जनशक्ति के कार्यालय परिसर में है होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम भाइयों ने शिरकत कर आपसी एकता, सद्भावना एवं भाईचारे का संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी धीरज कुमार राय ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज कुमार राय ने कहा कि भारत गंगा जमुना तहजीब का देश है। यहाँ सदियों से हर धर्म के लोग एक दूसरे के सुख दुख, त्यौहार, खुशी उल्लास में शरीक होते आए हैं। होली प्रेम सौहार्द रंग उमंग का त्यौहार है। भारत अपनी एकता, अखंडता, विभिन्नता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यह आयोजन उसी एकता का परिचायक है। यह आयोजन विभाजनकारी शक्तियों के लिए संदेश है जो बांटने की राजनीति करते हैं। धीरज कुमार राय ने कहा, युवा जनशक्ति पिछले 8 वर्षों से लगातार सामाजिक सौहार्द हेतु आयोजन करती आई है और आगे भी इस तरह का आयोजन जारी रहेगा। इस होली मिलन समारोह में काफी संख्या में हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया और एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर होली की बधाई दी। इस कार्यक्रम में युवा जनशक्ति के कार्यकारी जिला अध्यक्ष मनीष मिश्रा, हाजीपुर नगर अध्यक्ष तारकेश्वर पटेल, राजकमल जायसवाल, रंजीत यादव, मोहम्मद बबलू, रंजन पटेल, विकास राय, अमोद राय, चंदन शर्मा, समोद कुमार, फरहान अख्तर, मोहम्मद असगर, अजय यादव, समीर आलम, समीर रजा, बिट्टू, आसिफ अख्तर सहित अन्य लोग उपस्थित थे। Hey!